गाइस कई बार क्या होता है कि गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और जब हम क्लच दबा के गियर को लगाते हैं तो यहाँ से खटाक से आवाज़ करता है, और ये क्यों होता है ये जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे आवाज़ जो करता है दोस्तों, दो तीन तरह का आवाज़ होता है। एक होता है कि हम जैसे चलते हुए बाइक में गियर लगाते हैं तो उस टाइम में खटाक से आवाज़ करता है, और एक होता है कि हम गाड़ी को खड़ी रखे हैं, सिर्फ स्टार्ट करते हैं और गियर लगा के क्लच दबा यानी क्लच दबा के जब गियर लगाते हैं तो उस टाइम में खटाक से आवाज़ करता है इस जगह। और एक बार क्या होता है कि जब हम गाड़ी को चलाते रहते हैं, जब चलाते रहते हैं तो कटर 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 सा इस जगह से आवाज़ आता है, और ऐसा लगता है कि हमारा जो कहीं गियर के अंदर में इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई, या ऐसा लगता है कि गियर जब चेंज करते हैं उस टाइम में भी थोड़ा चेंज करने में आवाज़ करता है, गड़गड़ाहट से आवाज़ करता है, तो हमें लगता है कि इंजन में कोई साउंड है यानी कि अंदर में कोई गरारी वगैरह कोई भी प्रॉब्लम आ गई है। तो इस तरह का एक बार मैंने फॉल्ट को दूर किया है। इससे पहले मैंने एक बार इंजन बांधा था एक बाइक का, हीरो होंडा का, तो उसमें क्या हो रहा था कि हम जब गियर लगा रहे थे तो गड़गड़ाहट से आवाज़ आ रहा था, ठीक है। तो हमें ऐसा लगा कि यार इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, इंजन में कोई गियर में कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो मैंने अपने हाथों से सारा चीज़ फिट किया था, हमें ऐसा नहीं लगा था अंदर में कि कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है। हर गियर को मैंने सही से फिटिंग किया था, गियर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी वो साउंड कर रहा था। तो मैंने उस टाइम क्या किया था कि इस गियर ये जो फ्रंट स्प्रॉकेट है इसे मैंने सिर्फ उल्टा करके लगाया था, इसको मैंने पलटी करके जब लगाया तो बिल्कुल वो आवाज़ सही हो गई थी। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये एक अलग प्रॉब्लम है, अलग समस्या है इसका। जब हम क्लच दबा के गियर को लगाते हैं तो यहाँ पे एक झटका सा महसूस होता है और आवाज़ करता है। तो ये क्यों कर रहा है, ये जो आवाज़ कर रहा है अभी, ये इस देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जब चक्का को यानी इस पॉकेट को जब हम आगे पीछे हिलाएंगे तो चक्का, देखना चक्का नहीं हिलेगा, सिर्फ ये इस पॉकेट और चैन सिर्फ हिलता है, आगे पीछे होता है। तो आप शायद समझ रहे हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका जो प्रॉब्लम दोस्तों, अंदर में जो कपलिंग रबड़ होता है, चक्का में जो कपलिंग रबड़ होता है अंदर में, वो रबड़ कट जाने की वजह से ये इस तरह का प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि देखिए, जब हम क्लच दबाते हैं और गियर लगाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, गियर लगाते ही यहाँ पर ये जो गियर है अंदर, गियर शाफ्ट, वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है, उस टाइम में। और फिर जब ये चैन झटका लेता है यहाँ से आगे, थोड़ा वाइब्रेशन जब होता है, गियर जब भी लगाते हैं तो थोड़ा वाइब्रेशन सा महसूस होता है, और जब ये कपलिंग रबड़ कटा हुआ रहेगा तो ये क्या करता है कि चैन को इस तरीके से मतलब हिला देता है चैन को, और हिलाने की वजह से ही ये आवाज़ करता है। तो इसका अगर कपलिंग रबड़ अगर हम चेंज कर देंगे तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। देख सकते हैं कि इतना प्ले है, देखिए मैं इसे घुमा रहा हूँ, ये इतना घुमा रो, इतना प्ले है, और चक्का देख सकते हैं कि चक्का बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हो रहा है। देखिए इसके हिसाब से देख ले, मैं दूर से आपको दिखा देता हूँ, मैं इसे आगे पीछे करता हूँ और देख सकते हैं कि पीछे का चक्का सिर्फ हिल रहा है लेकिन आगे पीछे नहीं हो रहा है। तो यही प्रॉब्लम है दोस्तों इसका, कपलिंग रबड़। आप अगर मैकेनिक है तो जान सकते हैं कि कपलिंग रबड़ क्या होता है। अगर आप कोई कस्टमर भाई है तो किसी मैकेनिक से जाके मिलें और उनसे इसका रबड़ चेंज करा लें। अगर इस कवर को नहीं भी खोलते हैं तो ऐसे भी आप पता लगा लेंगे इस यहाँ पे, इस चैन कवर के रबड़ को निकालें बाहर और इस चक्का को आगे पीछे करें। देखिए इस चक्का को आगे पीछे करने पर यहाँ पर चैन, देखिए चैन बिल्कुल अपने जगह रहता है और चक्का आगे पीछे हो रहा है। तो ये समस्या है दोस्तों, इसका कपलिंग रबड़ चेंज कर दें, बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये है कपलिंग रबड़, इसे कपलिंग रबड़ बोलते हैं। ये इसलिए दिया जाता है कि चैन में कोई झटका ना पहुंचे, इससे चैन इस पॉकेट भी सुरक्षित रहता है, आपके चैन इस पॉकेट भी ज़्यादा दिन तक चलेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये झटका लेना कम कर देता है। ये सिल्वर कंपनी का है, स्टील बड़ ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं मैकेनिक लोग। आप इसे लगवा सकते हैं, यह लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होता है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबा दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।